सीरीज़ आएगी लिविंग रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट्स, जिसकी शूटिंग मतलब दिल्ली में होगी। अच्छा, तो सेंट्रल ओरिजिन तो क्या कर रहे हैं, कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं एक वेब सीरीज में काम करने के लिए? सर एज ए फ्रेशर तो मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ कि मैं पहली बार आया हूँ तो मंजीत सर के अंडर मुझे अच्छा काम करने के लिए मौका मिला है। तो आगे भी मैं यही कोशिश करूँगा कि सर के अपनी एक्टिंग के थ्रू सर को और सर से और मौके लूँ, ताकि मुझे सर और अच्छे तरीके से आगे इम्प्रूव कर सकें मेरी स्किल्स। सर कोई प्रिपरेशन नहीं की है, बस देख देख के सीखे हैं। बाकी पिछले एक दो महीने से कांटेक्ट में था मंजीत सर के, विशाल सर के, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी। मंजीत सर ने जब से मैं यहाँ आया तो उन्होंने हेल्प करी है कि उन्हें सिखाने में। कैसा लग रहा है मुंबई आके, यहाँ का माहौल जो है फिल्म इंडस्ट्री का कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? सर यहाँ का माहौल एक्चुअली दिल्ली से तो अलग लग रहा है मुझे, और एज फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आके तो अच्छा लग रहा है कि कभी ना कभी आगे जाके भी क्या पता हम क्या पता मैं इस इंडस्ट्री का एक पार्ट बन सकता हूँ। किस तरह के एक्टर हैं आप, मतलब ज्यादा आपका क्या प्रेफरेंस रहता है, कॉमेडी या फिर रोमांटिक रोल, किसमें कंफर्टेबल रहेंगे आगे चल के, क्या आपका स्ट्रेंथ है? सर एक्शन रोल्स में शायद आप मुझे अच्छे देख सकते हैं आगे, क्योंकि ये तो अभी स्टार्टिंग है तो इसमें कुछ बता नहीं सकते हम। अच्छा, आपका एक और फिल्म घुमा रहा है, इसके अंदर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह किरदार है, किस तरह से सजेस्ट हुई ये फिल्म? सर ये एक तरह से हॉरर फिल्म है ये, जो गोवा में शूट हुई है अपने प्रोड्यूसर मंजीत सर के अंडर बाय RSS एंटरटेनमेंट में। तो इसमें अच्छा रोल है, एक एज अ कॉलेज बॉय का रोल है इसमें। तो ये मंजीत सिंह की फिल्म है। यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे, दोबारा मौका देने के प्रयत्न में? सर मंजीत सर एज अ डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और एज अ डायरेक्टर से बढ़कर एज अ रोल मॉडल और एक फ्रेंड कह सकता हूँ, जिन्हें मैं जिन्होंने मुझे अच्छे और बुरे में फ़र्क दिखाया है, और एक लाइफ मतलब कि एक्टिंग लाइन में एक अच्छे रोल मॉडल की तरह मिले हैं मुझे वो। और कौन से एक्टर से इंस्पायर्ड है आज के जनरेशन के, इतने एक्टर हैं रणवीर, वरुण, कौन से एक्टर जो आपको अच्छे लगते हैं? सर सिद्धार्थ मल्होत्रा। क्या वजह है सर उनकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी, उन्होंने मतलब कि अभी तक कोई ये एक रोल नहीं किया कि पर्टिकुलरली एक ही रोल के पीछे बार बार गए हैं। उन्होंने एज अ जो उनकी पहली पिक्चर आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, जिसमें उन्होंने एज एक स्टूडेंट किया, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें ये रोमांटिक भी था, एक्शन भी था, सब तरीके से थे। तो उनकी फिर दूसरी फिल्म्स आई थी जिसमें मुझे अच्छा लगे उनके रोल्स, तो बहुत अच्छा उन्होंने पार्ट किया है, तो मेरे लिए एज अ रोल मॉडल है जिनके जैसा मैं आगे बनना जरूर चाहूंगा अपनी लाइफ में। और कौन सी फिल्म में कौन सा किरदार है जो आपका फेवरेट है अभी तक, और वैसे किरदार प्ले करना चाहेंगे आप? वो उस स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ही, जो उनका पहली मूवी थी एज अ फ्रेशर, जैसे कहते हैं वो फ्रेशर की तरह आए थे, और पहली मूवी में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी इमेज बना ली थी, मतलब हर चीज़ में ही। अब एक्ट्रेस कौन सी लगती है नई जनरेशन की आपको? सर दीपिका पादुकोण। अच्छा, उनके साथ काम करने की इच्छुक हैं आप? यस सर। थैंक यू। सर एक्चुअली ये तो हॉरर है और फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर लाइन में घुसा हूँ, तो काफ़ी लोगों से मैंने पूछा था। एक्चुअली 6 ईयर हो गए मेरे को इस मुंबई में, और मैं एज अ एक्टर काम करता हूँ, और काफ़ी मैंने लीड सीरियल और मूवी भी करी है। तो अभी जैसे झटका जरूरी एज अ लीड साउथ की मूवी है, पूरी हिंदी है, स्टारकास्ट जावेद हैदर वगैरह ये लोग हैं, तो उनके साथ अभी वो सेंसर हुई है, रिलीज़ होगी। उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से सर्वे किया, और फिर मैंने देखा कि नहीं, बहुत सारे छोटे काम बड़े काम हो चुके हैं, इंडिविजुअल कुछ करना चाहता था, तो वहाँ से आइडिया है कि पहले हॉरर में करते हैं, उसके बाद जहाँ तक मेरे को पसंद है वो एक्शन मेरे को ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक्सपीरियंस के लिए सब चीज़ उतार चढ़ाव, टेक्निकल और मतलब कैमरे के पीछे कैमरे के आगे क्या होता है, उसके लिए मैंने हॉरर बनाया है इसका, जिसका नाम गुम है। तो किस तरह का अनुभव था, कहाँ का शूट किया फिल्म को, और जो कलाकार हैं उनके बारे में बताया, कौन से कलाकार हैं और कौन सी टीम है, पूरी टीम के बारे में बताया? टीम को तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, एक्चुअली जितने भी टीम है मेरे, जो एक्टर्स हैं वो बहुत मेहनती थे और बहुत अच्छे से काम करा। मैंने गाने की शूटिंग गोवा में करी है, दूसरा गाना तारकली और मालवन एक जगह है वहाँ पे, अंधेरी ईस्ट फिल्म सिटी में भी करी है, खारघर में भी किया है, और 10 दिन का शेड्यूल मेरा मुरमाद था, जहाँ पे हॉरर बंगलो था वहाँ पे मुरमाद में 10 दिन का शेड्यूल था। तो ये लोकेशन थे हमारे, और जितने भी एक्टर हैं सब मार्केट के हैं एक्चुअली, कह लो आप जैसे कि मैंने बहुत काम करी है, लेकिन एक जो वो स्टार्डम होता है ना, एक ब्रेक जो हिट करवाती है वो नहीं मिली। लेकिन जितने भी हमारे जैसे मनमीत गरेवाल अभी सोनी सब का कर रहा है, ये जो हीरोइन है वो पंजाबी मूवी काफ़ी कर चुकी है, रवि है ये अभी स्टार का शो कर भी रहा है, तो जितने भी एक्टर है वो अनुभवी है और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा आप रिस्क फैक्टर समझते हैं यू नो हॉरर फिल्म को रिलीज करना, क्योंकि आज के जमाने आप देख रहे हैं कि हॉरर फिल्म उस तरह से नहीं आती थी, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट में
तो सर बिना रिस्क तो कुछ होगा नहीं, अगर हम अपनी फैमिली से दूर इतना दूर मुंबई में आए हैं और पूरा समर्पित है बॉलीवुड के लिए और एक्टिंग के लिए, यह भी एक रिस्क है क्योंकि एक्टिंग जहाँ तक मतलब वो चीज़ है जिसके लिए पूरी समर्पित होना पड़ता है, जियो जान से सब कुछ छोड़ कर सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करनी होती है और बॉलीवुड से प्यार करना होता है तब जाके होता है। तो रिस्क तो लिया है, बिना रिस्क के कुछ होता नहीं, तो मैंने एक रिस्क उठाया है और ये मूवी करी है और ऊपर वाले की दुआ से अच्छे से रिलीज कर लूँगा मैं इसको। तो आगे चल के क्या आपका विजन है प्रोड्यूसर के तौर पर, किस तरह का फिल्म प्रोजेक्ट? हाँ बहुत जल्द नवंबर में ही जा रहा हूँ, जस्ट लाइक गंगा जल अवधि भाषा जो होता है ना एक्शन, यूपी बिहार में शूट करने जा रहा हूँ, सारे उधर के ही एक्टर होंगे और कुछ मार्केट के भी होंगे, तो वो एक साउथ के डायरेक्टर है जीतू सर, वो उसको डायरेक्ट करेंगे और इस बार प्लान है नवंबर में सोनपुर एक जगह जहाँ पे वर्ल्ड फेमस पशु मेला लगता है उसी के बेस पे वो स्टोरी शूट करने जा रहा हूँ मैं। आपके साथ जो आर्टिस्ट बैठे हैं मतलब क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा इसको इसको मैंने अभी तक दो जगह लॉन्च कर चुका हूँ, बहुत जल्द एक सीरियल बहुत बड़े चैनल पे, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, उसमें लॉन्च करने जा रहा हूँ और लिविंग रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट है, डेली बेस्ड स्टोरी है, तीन लड़कों की स्टोरी है, छत वाला प्यार, गैलरी वाला प्यार, बहुत बढ़िया कॉमेडी है फुकरे टाइप का, तो उसमें ये नज़र आएगा और साथ में मेरी एक मूवी जो मैं बिहार में करने जा रहा हूँ उसमें भी ये नज़र आएगी, तो इसको छोटा भाई है तो इसको काफ़ी अच्छे लेवल तक मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ और इसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि ये अपने आप को प्रूव कर सके और बॉलीवुड में एक अच्छी पहचान बना चुके। आप क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं तो मंजीत सर के लिए कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे एज अ यंगस्टर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो मैं उनको अपने काम के थ्रू प्रूव करूँगा कि हाँ उन्होंने कोई गलत वो नहीं किया मुझे इंडस्ट्री में लेके आके, तो उनका मैं जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको अच्छा ही काम वो मिले रिस्पॉन्स मेरी तरफ से। एक्चुअली क्या है कि इस मूवी में भी मैंने काफ़ी यंगस्टर को चांस दिया है, काफ़ी जो साइड रोल्स होते हैं चैलेंजिंग कैरेक्टर होते हैं तो यंगस्टर को तो जब तक नहीं लाएंगे कैसे चलेगा, मैं खुद एक यंग हूँ और यंग मानता हूँ, तो वैसे ही इसको भी लॉन्च करना है और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे करना है। थैंक यू सो मच।